इस देश को एक प्रधानमंत्री चाहिए, एक प्रशासक चाहिए, कोई ऋषि मुनि या त्रेता युग का कोई अवतार नहीं चाहिए। इस देश को विपक्ष चाहिए, कोई YouTube या सोशल मीडिया प्रचारक नहीं चाहिए। इस देश को चाहिए एक जागरूक जनता जो अपने सरकार को जवाबदेह बनाए। भक्त नहीं चाहिए जो हिंदू मुस्लिम तमाशे पर या फिर राम मंदिर में सराबोर होकर असली मुद्दों से अपना ध्यान पीछे हटा ले। हमें एक जागरूक देश चाहिए। और मैं आपको बताता हूं कि क्या बदल गया है, किस तरह से इस देश की मान्यताएं जो हैं वो रसातल में जा रही हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, यहां पर आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुलाकात कर रहे हैं 12 साल की उस लड़की के मां बाप से जिसका बेरहमी से बलात्कार किया गया। और सिर्फ बलात्कार नहीं किया गया, उसके गुप्तांगों पर हमला भी किया गया है। कुछ याद आया? निर्भया, जी हां निर्भया। जब निर्भया कांड हुआ था ना तो पूरा देश उससे हताश था, पूरा देश उससे नाराज था, पूरा देश हिल गया था, सड़कों पर आ गया था कि दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर क्या हालात हैं। मगर आज कोई सड़कों पर नहीं है। चलिए मान सकता हूं मैं सड़कों पर लोग इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना संकट है, मगर क्या आप उस तरह का आक्रोश मुख्यधारा की मीडिया में देख रहे हैं, न्यूज चैनल्स में देख रहे हैं? क्योंकि 12 साल की उस मासूम के साथ जो हुआ वो निर्भया से कम नहीं था। मैं आपको बतलाता हूं कि उस मासूम की आवाज में न्यूज चैनल्स क्यों नहीं आ रहे हैं। उस मासूम की आवाज में न्यूज चैनल्स इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि अगर उसकी आवाज उठाई जाएगी तो दिल्ली पुलिस कटघरे में होगी। दिल्ली पुलिस कटघरे में होगी तो वो लोग कटघरे में होंगे जो जिसके अंतर्गत दिल्ली पुलिस काम करती है, यानी कि देश का गृह मंत्रालय। देश का गृह मंत्रालय कौन चला रहा है? माननीय अमित शाह। और जाहिर सी बात है, अमित शाह के लिए न्यूज चैनल्स किसी भी तरीके से मुश्किल हालात पैदा नहीं कर सकते। कितना कुछ बदल गया है ना। निर्भया को लेकर तमाम न्यूज चैनल्स 24 घंटे आवाज बुलंद कर रहे थे। कल्पना कीजिए अगर निर्भया जैसी ही घटना इस वक्त हुई होती, या कल्पना क्या उस 12 साल की लड़की के साथ जो हुआ वो निर्भया जैसी घटना से कम था क्या? मगर तमाम न्यूज चैनल्स उस पर पूरी तरह से खामोश थे, किसी ने उसके दर्द की बात नहीं की। अब बात करते हैं हापुड़ की दोस्तों। हापुड़ में एक 6 साल की मासूम के साथ एक वहशी बलात्कार करता है दोस्तों, और न सिर्फ बलात्कार करता है, उस 6 साल की लड़की के गुप्तांगों पर वार करता है। पुलिस ने यह स्केच रिलीज किया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर है। बताया जा रहा है कि जिस राक्षस ने, जिस दानव ने उस 6 साल की मासूम पर इतना बड़ा हमला किया था वो इस तरह से दिखता है। क्या इस लड़की के लिए उत्तर प्रदेश के न्यूज चैनल्स, ये कहा जाए देश के न्यूज चैनल्स आवाज उठा रहे हैं? नहीं, क्योंकि देश के न्यूज चैनल्स हों वो तो सिर्फ जय जयकार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। उनके पास कहां फुर्सत है यूपी पुलिस पर सवाल करने के, प्रशासन से सवाल करने के, क्योंकि यूपी में लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र और उनके जो कट्टर समर्थक हैं वो पुलिस को सही ठहराते हैं, पुलिस को कटघरे में नहीं रखते हैं। आप जानते हैं जब निर्भया भी हुआ था, या मेरे ख्याल से जब अखिलेश यादव की सरकार थी और उनका जो कार्यकाल का जो पहला हिस्सा था, जब कानून व्यवस्था बद से बदतर थी, उस वक्त भी उनके पार्टी के भी जो वोटर थे ना वो पुलिस को सही नहीं ठहराती थी। मगर आज मानो एक प्लानिंग के अंतर्गत पुलिस को की गलतियों पर पर्दा डाला जाता है, पूरा प्रचार तंत्र लग जाता है, पूरे न्यूज चैनल्स लग जाते हैं। और मैं जानता हूं, मैं जो आपके सामने ये बातें रख रहा हूं उस 6 साल की मासूम या उस 12 साल की मासूम के बारे में, कई लोग कहेंगे कि भाई पुलिस हर तरफ तो नहीं हो सकती, सरकार हर तरफ तो नहीं हो सकती। बिल्कुल वो हर जगह मौजूद नहीं हो सकती है, मगर आपको किसने रोका है उन्हें कटघरे में रखने से, उनसे सवाल करने से, उन्हें जवाबदेह बनाने से? उन मासूम के साथ जो हुआ, कुछ देर के लिए मान लो कि प्रशासन की गलती नहीं है, हालांकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात किस तरह से बदतर होते जा रहे हैं, मगर यह चेहरा, यह है यूपी की जालौन की निशु, इसने आत्महत्या कर दी। जानते हैं क्या घटना हुई है? यह अपनी दो सहेलियों के साथ एक मोबाइल फोन शॉप पर जाती है,
खबर अमर उजाला की है जो मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं। ये लोग मोबाइल शॉप पर जाते हैं, वहां खड़े कुछ लड़के इनकी तस्वीरें खींचने लगते हैं। ये लोग मना करती हैं। अचानक वहां पुलिस की जीप आ जाती है और इन लड़कियों को पुलिस थाने ले जाती है। 8 से 10 घंटे तक इन्हें जेल में रखती है। पानी मांगते हैं, पानी नहीं देते हैं। अमर उजाला में जो ये रिपोर्ट आई है उसकी सहेलियां ये बात कह रही हैं। और जब रात को 10 बजे इन्हें छोड़ा जाता है तब ये कहा जाता है कि 2 दिन बाद हम फिर आएंगे आपसे पूछताछ करने। निशु से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो खुद को फांसी लगा देती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसा कि अमर उजाला की खबर में उसकी सहेलियां दावा कर रही हैं, जो लड़के इन्हें छेड़ रहे थे उन पर क्या कार्रवाई हुई बताइए। कुछ देर के लिए मैं मान भी लूं, लड़कियां लगातार ये कह रही थीं, उन पर यह आरोप था कि इन्होंने मोबाइल फोन्स की चोरी की थी कुछ दिनों पहले। तो लड़कियां लगातार ये कह रही थी, अगर हमने चोरी की थी तो क्या हम दोबारा उस दुकान में आते। कुछ देर के लिए मैं मान भी लूं कि अगर ये मोबाइल चोर भी थी तो क्या कट्टर अपराधी और एक सामान्य व्यक्ति में किस तरह का बर्ताव हो, यह उत्तर प्रदेश पुलिस बिल्कुल नहीं जानती। और क्या यह सवाल बतौर नागरिक आपको उठाना नहीं चाहिए? बताइए, क्यों नहीं उठाते आप? क्या निशु की मौत इसी तरह से जाया जाएगी? या हापुड़ में 6 साल की उस लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ था, वो घटना इसी तरह से खत्म हो जाएगी, इसी तरह से आप अपनी आंखों के सामने से जाते हुए देखेंगे? क्या यह सवाल आपको नहीं उठाना चाहिए? बतौर इस समाज के रहने वाले, एक वोटर होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, आपको ये सवाल नहीं उठाने चाहिए? चलिए मान लिया ये तमाम, चाहे दिल्ली की घटना हो, हापुड़ की घटना हो, ये तो मान लिया बीजेपी प्रशासित राज्य है। दिल्ली में कानून व्यवस्था तो चलो बीजेपी के अंतर्गत ही आती है ना, कहने को वहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है। राजस्थान की बात करते हैं। ये बुजुर्ग देख रहे हैं आप, ऑटो चालक हैं, वापस आ रहे थे, कुछ भगवाधारियों ने इन्हें रोका, उस पर जोर लगाया कि जय श्री राम के नारे लगाओ, मोदी जिंदाबाद के नारे लगाओ, उसने मना किया तो इस कदर इसे पीटा गया। ये तमाम तस्वीरें उसकी बानगी हैं। अब ये तुरंत राम मंदिर शिलान्यास के बाद हुआ है। मेरे यहां 2 सवाल है। पहला सवाल, राम मंदिर शिलान्यास राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए एक बहुत बड़ी घटना है, तो क्या राम इस कदर भगवाधारियों को प्रेरित करते हैं कि वो बेकसूरों मजलूमों पर इस तरह से निशाना बनाएंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम ने हमें यह शिक्षा तो नहीं दी? राम का शौर्य हमें यह शिक्षा तो नहीं देता ना कि हम निहत्ते बेकसूर लोगों को इस तरह से टारगेट करेंगे, इस तरह से गाली गलौज करेंगे, जिस तरह से आपका प्रचार तंत्र उस दिन से लगातार सोशल मीडिया में लगा हुआ है। और मेरा दूसरा सवाल, यह घटना तो राजस्थान में हुई ना, तो हमें राजस्थान सरकार को कटघरे में रखना चाहिए। राजस्थान में क्या हो रहा है? वहां पर जितने भी विधायक हैं वो अभी रिजॉर्ट्स में रह रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है, उन्होंने अपने जो तमाम विधायकों को गुजरात भेज दिया है। तो जाहिर सी बात है, जब राजस्थान में तमाम विधायक, तमाम पॉलिसी मेकर्स रिजॉर्ट्स में रह रहे होंगे तो गरीब की तो यही हालत होगी ना। और इसको लेके हमें कटघरे में रखना चाहिए अशोक गहलोत सरकार को, मगर कोई न्यूज चैनल उनसे सवाल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे इस घटना के ऊपर आप अशोक गहलोत को कटघरे में रखेंगे तो जाहिर सी बात है भगवाधारी भी कटघरे में आ जाएंगे, और भगवाधारी कटघरे में आ जाएंगे तो बीजेपी भी कटघरे में आ जाएगी। इसलिए न्यूज चैनल्स ने इस घटना पर भी कोई जोर नहीं दिया है। सामने आपके ढेरों समस्याएं हैं। चीन अब भी हमारी जमीन पर बना हुआ है। खुद रक्षा मंत्रालय इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उन्होंने प्रवेश किया था, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री ने हमें आश्वासन दिया था ना चीन आया है हमारी जमीन पर, ना उन्होंने कोई कब्जा किया है। देश के सामने इतनी बड़ी गलत बयानी, आप कल्पना कर सकते हैं? चीन हमारी जमीन पर है, लोग इस्तीफा दे देते हैं इस मुद्दे पर, मगर क्या रक्षा मंत्री, क्या विदेश मंत्री, क्या गृह मंत्री, क्या खुद प्रधानमंत्री कटघरे में हैं इस मुद्दे को लेकर? क्या मुख्यधारा, क्या मीडिया इस मुद्दे को लेकर उनसे सवाल कर रहा है? नहीं कर रहा है।
नौकरियां चली जाती हैं इस मुद्दे पर, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमारा ध्यान किस तरफ है? हमारा ध्यान है सुशांत सिंह राजपूत घटनाक्रम पर। मैं स्पष्ट कर दूं, इस पर इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे यह बात भी समझ नहीं आ रही कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच से क्यों बच रही है अगर उसके पास कुछ छुपाने को नहीं है। मगर जिस तरह से मुख्यधारा का मीडिया, जिस तरह से कुछ खास ताकतें शालीनता की तमाम हदों को पार कर रहे हैं, वो अपने आप में शर्मनाक है। इन न्यूज चैनल्स ने दावा किया था, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि सुशांत सिंह की जो सेक्रेटरी थी दिशा सालियान, जब उनकी लाश मिली थी तो उनकी लाश पर एक भी कपड़ा नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। मगर अब यह खबर देखिए, इस खबर को पुलिस ने सरासर गलत बताया है। कुछ देर के लिए मैं मान भी लूं कि वो खबर सही थी, तो क्या उस परिवार के नाते, दिशा के परिवार के नाते, हमें इस तरह की बातों को सार्वजनिक करना चाहिए? क्या मृत इंसान की कोई गरिमा नहीं है? इन तमाम चीजों को लोग भूल गए हैं। अगर तुम लोग वाकई सुशांत सिंह राजपूत के लिए संघर्ष कर रहे होते ना, तो बात समझ आती। मगर सही मायनों में तुम लोग पिट्ठू हो उस पॉलिटिकल पार्टी के हाथों जो चाहती कि किसी ना किसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार गिर जाए। यह सिर्फ एक सियासी खेल है, उसके अलावा कुछ नहीं। मुद्दे जो होने चाहिए उस पर कोई बात नहीं हो रही है। ना अर्थव्यवस्था पर बात हो रही है, ना कोरोना पर बात हो रही है, ना चीन पर बात हो रही है। उल्टा इंडिया टुडे ये सर्वे लेकर आता है जिसमें कहा जाता है कि चाहे कोरोना संकट हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे चीन हो, प्रधानमंत्री का काम जबरदस्त रहा है। उनकी लोकप्रियता 66% से भी ज्यादा है। मान लिया, बिल्कुल मान लिया। मगर मैं इन न्यूज चैनल से पूछना चाहता हूं, ये रिपोर्ट करने से पहले क्या आपको थोड़ी सी भी शर्म आई थी? पिछले 13 सालों से इंडिया टुडे का जो मैगजीन है मेल टुडे, वो 13 साल बाद यानी 2020 में आकर बंद हो गया है आर्थिक मंदी के चलते। और इन्होंने क्या चलाया था कि प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बेहतर देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो ये पोल चलाने से पहले क्या आपके जहन में यह बात आई थी कि न सिर्फ आपका मेल टुडे बंद हो गया है, बल्कि आपके अपने कई न्यूज चैनल्स बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पे हैं? और हो क्या रहा है, कटघरे में खड़ा किया जा रहा है इस शख्स को, राहुल गांधी को, वो शख्स जो फरवरी के महीने से इस सरकार को चेतावनी दे रहा है कोरोना के मुद्दे पर और चीन के मुद्दे पर लगातार, कंसिस्टेंटली। मैं एक बात बता दूं आपको, राहुल गांधी को कटघरे में रखा जाना चाहिए, उन पर सवाल उठाए जाने चाहिए कि क्या राहुल गांधी एक फुल टाइम पॉलिटिशियन है, क्या राहुल गांधी एक गैर संजीदा राजनेता है। मगर उन कारणों से नहीं जिन कारणों से न्यूज चैनल्स उन्हें कटघरे में रखते हैं, नहीं, न्यूज चैनल्स इस सरकार को जवाबदेह नहीं बनाते हैं। सबसे पहला कर्तव्य होता है न्यूज चैनल्स को इस सरकार को जवाबदेह बनाना, उनसे सवाल करना। आज आप जो न्यूज चैनल्स में काम कर रहे हैं संपादक, वो खुद से एक सवाल पूछें कि क्या आपने कोरोना को लेकर, चीन को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, कश्मीर में जहां हालात बद से बदतर हो गए हैं, इन 4 मुद्दों को लेकर इस सरकार को कटघरे में खड़ा किया? आपके स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि कोरोना से हम लड़ाई जीत गए हैं, कोरोना में हालात बेहतर हो रहे हैं, मगर आज की तारीख में कई पैमानों पर भारत दुनिया में नंबर एक है। और पैमाने जब मैं कह रहा हूं तो पॉजिटिव नहीं, नकारात्मक पैमाने, यानी कि हालात यहां बद से बदतर हो रहे हैं। कोरोना के लेकर ही हम अगर बात करें तो क्या आप जानते हैं कि इस वक्त हमने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? एक दिन में मृतकों की तादाद जो है वो 1000 से ज्यादा हो गई है। 1000 के मायने जानते हैं आप क्या होता है? 26/11 में जो हमला हुआ था उसमें 166 भारतीय मारे गए थे, और यहां कोरोना से एक दिन में 1000 लोग मारे गए हैं। और इस चीज को लेकर क्या ये सरकार जवाबदेह नहीं है?
क्या यह सवाल आपके लिए, इस देश की नागरिक के लिए बिल्कुल भी नहीं जरूरी? तो सवाल यह कि क्या आप यह सवाल उठाते हैं? नहीं उठाते हैं। तो ऐसे में क्या विपक्ष से सवाल करने का आपको अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। आप क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। जिस दिन शिलान्यास हुआ, एक न्यूज चैनल यह कह रहा था कि जिस तरह से त्रेता युग में भगवान राम पुष्पक विमान में सवार होके अयोध्या पहुंचे, बिल्कुल उसी तरह से यह हेलीकॉप्टर जो आप आसमान में देख रहे हैं वो अयोध्या में उतर रहा है। और इस हेलीकॉप्टर में कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब मैंने प्रधानमंत्री को देखा ना, तो मैं हतप्रभ रह गया, भौचक्का रह गया। मैंने उनकी वेशभूषा देखी, बहुत ही शालीनता से परिपूर्ण। मैंने उनकी दाढ़ी देखी, मानो एक संत लग रहे हो, वो एक ऋषि मुनि लग रहे हो। और इस चीज से पूरी तरह से भाव विभोर थे तमाम न्यूज चैनल्स। मगर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, इस देश को एक ऋषि मुनि की जरूरत नहीं है, एक प्रचारक की जरूरत नहीं है, एक प्रशासक की जरूरत है। इस देश को जरूरत है एक ऐसे शख्स की जिसे जवाबदेह बनाया जा सके देश की समस्याओं के लिए। उसे हम खुदा ना बनाएं, अपने सिर पे ना बिठाएं, उन्हें ईश्वर का दर्जा ना दें, क्योंकि आप ही के वोट से वो बने हैं प्रधानमंत्री, ये पार्टी सत्ता में आई है। देश को चाहिए जवाबदेह सरकार और जिम्मेदार विपक्ष जो कि अपने सरकार को कटघरे में रखे। हमें सोशल मीडिया प्रचारक, यूट्यूब प्रचारक नहीं चाहिए विपक्ष की नेता के तौर पर, या हमें ऋषि मुनि नहीं चाहिए जो इस देश की सरकार चलाए। नहीं, सीधे तौर पर इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इन मुद्दों पर जवाब दें। कोरोना को लेकर हालात बद से बदतर क्यों हैं? आप दूसरा, आपने ये वादा किया था कि धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर देश की मुख्य धारा में शरीक हो जाएगा। वहां हालात बद से बदतर हैं, इकॉनमी को 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो कैसे कश्मीर मुख्य धारा में शामिल हो गया? तीसरा सवाल आपको यह पूछना चाहिए सरकार से कि आखिर चीन हमारी जमीन पर क्यों बना हुआ है? किसकी नौकरी जाएगी? किसे कटघरे में खड़ा किया जाएगा? यह सवाल तो मीडिया उठाता ही नहीं है ना। अर्थव्यवस्था, आने वाले दिनों में हालात जो बद से बदतर हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, उसको लेकर सरकार के पास क्या प्लान है? इस देश का दुर्भाग्य ही माना जाएगा दोस्तों, जहां सरकार और विपक्ष को मीडिया बराबरी की निगाह से देखती है। इस देश का दुर्भाग्य ही माना जाएगा जहां डर के चलते, जहां राजनीति के चलते कहीं ना कहीं इस सरकार से सवाल नहीं किया जाता। और इसका नुकसान किसी और को नहीं, देश की जनता को होगा, जो इस वक्त हो सकता है धर्म और राष्ट्रवाद का धतूरा चाटे हुए बेहोश हो, मगर जिस दिन आपकी आंखें खुलेंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मगर न्यूज चक्र में हम यह सवाल लगातार आपके लिए उठाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।